Hello, my dear ATPians. Hello, my dear students. Welcome to ATP Star, the super learning platform. मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इंटरेस्टिंग सेशन में। बच्चों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्क्वायर रूट को कैसे इन सेकंड्स में फाइंड आउट करें। बिकॉज आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलता है तो लास्ट में स्टेप में आपको एक स्क्वायर रूट बाई चांस कभी निकालना पड़ता है तो आप फंस जाते हो कि सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अब बस उसी को फाइंड आउट करने के लिए आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं और वो शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज बच्चों आप देखो स्क्वायर रूट की माइंड ब्लोइंग ट्रिक पढ़ने वाले हैं हम। कौन सी ट्रिक? माइंड ब्लोइंग ट्रिक। तो देखो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। अब देखो आपको जैसे अंडर रूट 9 की बात की जाए तो आप इसका आंसर फटाफट से 3 बता देते हो। क्यों बता देते हो? बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप किनका स्क्वायर रूट नहीं बता सकते? जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट बताने में आपको प्रॉब्लम होती है। जस्ट लाइक अगर मैं अंडर रूट 7 की बात करूं, अंडर रूट 52 की बात करूं, अंडर रूट 23 की बात करूं तो इन सबका स्क्वायर बताने में आपको जरूर प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसी चीज का सॉल्यूशन करेंगे। अब बच्चों क्या होता है, ट्रिक तो मैं आपको सिखा दूंगा लेकिन ट्रिक आप भूल बड़ी जल्दी जाओगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको जीवन भर याद कर सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या है देखो। अब मैं बच्चों यहां पर देखो आपके पास अगर मैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई है, क्या है अंडर रूट में एक्स प्लस वाई, तो इसको आप लिखोगे अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स। इसको आप ऐसे लिखोगे। और अगर आपके पास अंडर रूट में एक्स माइनस वाई है तो इसको आप लिखोगे अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स। सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम, एक्स को क्यों अंडर रूट में लिख रहे हैं? बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, मतलब आपको क्या करना है, आपके इस टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जो क्या हो, एक तो क्या हो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा कोई भी हो। ठीक है, तो अब जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हो प्लस वाई, वाई कौन सा, ये वाला नंबर अपॉन टू अंडर रूट एक्स। और ये मैं कह रहा हूं आपसे 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, आपको ये याद हो जाएगा, ये कभी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करोगे, तो जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मैं अंडर रूट 7 का निकालता हूं तो अंडर रूट 7 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है भाई, या तो 4 है या 9 है। तो सपोज करो मैंने पहले क्या ले लिया, 9 वाला ले लिया, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 माइनस 2 लिख सकता हूं। सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको बच्चों 9 माइनस 2। अब आपने 9 माइनस 2 लिख लिया तो अब आप इसको क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो पहले क्या, अंडर रूट 9 माइनस है तो माइनस, अब ये वाई वाला नंबर ऊपर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 9, यही लिखोगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, बहुत आसान सी चीज, अंडर रूट 9 को आप लिख दो 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया बच्चों 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब बच्चों 1 अपॉन 3 क्या होता है, सर 1 अपॉन 3 जस्ट लाइक अब आपने 1 में 3 से डिवाइड दिया तो कितना आएगा 0.3333, सो ये हो गया आपके पास 0.33, आपके पास आंसर आ गया 2.77, अप्रोक्स आंसर क्या हो गया 2.77। सर अगर मैं इसको 4 प्लस 3 करके करता तो क्या हो जाता, हाँ बच्चे बिल्कुल हो जाता। देखो अगर अंडर रूट 7 को बच्चों मैं यहां क्या करता, 4 प्लस 3, अब 4 प्लस 3 करता तो मैं क्या लिखता, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 लिखता, पहले अंडर रूट एक्स लिखना है तो अंडर रूट 4 प्लस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4, तो यहां आ जाता 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाता 4, तो ये हो जाता 2 प्लस, ये कितना हो जाता 0 पॉइंट, अब देखो ये आ जाता 3 बाय 4। सर 3 बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 0.7, और यहां आ जाता 5, मतलब आ जाता 2.75, मतलब ऑन एन एवरेज अप्रोक्स आंसर 2.7 आता आपका। ठीक बात, तो ये बात आप समझ गए कि सर इसका तो बड़ा आसान तरीके से आपने कर दिया। और एग्जांपल लेते हैं, देखो फॉर्मूला याद, फॉर्मूला तो हमेशा आपको क्या होगा भूल, फॉर्मूला कैसे भूल जाओगे, नहीं भूलोगे, बिकॉज फॉर्मूले से तो आपको क्या, आपने एप्लीकेशन पढ़ लिए तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया। अब बच्चों अब हम चलते हैं अगले स्क्वायर की तरफ। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि अंडर रूट 52 निकालो, 52 का स्क्वायर रूट निकालो, तो अब आप क्या करोगे, अब इसमें आपने सोचा कि यार 52 के आसपास का नंबर कौन सा है, 49 है सर, और 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो आपने क्या करा, इसको लिख दिया 49 प्लस 3 लिख दिया। अब इसको क्या करोगे, वही वाला अंडर रूट 49
प्लस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 49. सो यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 7, तो कितना आ गया 7 प्लस 3 अपॉन 14. अब 3 अपॉन 14 को कैसे सॉल्व करोगे बच्चों आप, 3 अपॉन 14 को देखो 7 प्लस 0 पॉइंट, अब 30 में जब 14 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो 0.2. अब क्या बच्चा सर, 2 टाइम्स गया तो कितना हो गया 28, 2 बचा 20. अब आप डायरेक्ट देख लो ना, 3 में जब आप 14 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 30, और 28 2 टाइम्स गया तो कितना बचा रिमाइंडर 2, एक जीरो आ गया तो 14 बन जा 14, कितना बचा 6 बचा, तो यहां आ गया 60, तो 14 4 जा 56, ठीक है, तो आप 21 तक ही लिख लो, तो आपका आंसर आ गया 7.21. अब आप इसको कैलकुलेटर से परफॉर्म भी करके देख सकते हो, एग्जैक्ट अप्रोक्स आंसर आ रहा होगा. तो बच्चों एक बात बताओ, कैसी लगी आपको ये ट्रिक, बहुत आसानी से कर पा रहे हो? थोड़ा और क्वेश्चन ले लें एक दो सर, अभी तो मेरे को जस्ट प्रैक्टिस हुई है, कुछ एक दो एग्जांपल और कराओ. तो देखो अगर बच्चों मैं क्या लिखता हूं, 99 का मेरे को लिखना है, 99 का सर कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 100 माइनस 1, यही लिख सकता हूं अंडर रूट 100 माइनस 1. अब यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 100 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 100, ठीक बात, तो आ गया 10 माइनस 1 अपॉन 20, 10 माइनस 1 अपॉन 20. तो सर अब मैं क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस, अब सर 1 अपॉन क्या है 20 है, 1 अपॉन 20 है, तो सर 1 अपॉन 20 का मतलब 0. अब यहां आ गया 10 नहीं गया तो 0 और करा आपने, ठीक बात, 100 और चला गया 5, तो आपका आंसर आ गया 9.95. बताओ कितनी आसान तरीके से आपने ये ट्रिक निकाली है, बहुत आसान तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो. और एक और स्क्वायर रूट आपको बता देता हूं, क्या ले लें बच्चों, थोड़ा सा बड़ा ले लें, अगर मैं यहां पर ले लेता 149 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो बच्चों यहां पर देखो आप क्या करते हैं, 144 तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 कर दो, सर आसान है, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाता है आपके पास, यहां पर 12, बिकॉज अंडर रूट 144 कितना हो जाता है 12, प्लस 5 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 144 कितना हो जाता है 12, तो हो जाता 12 प्लस 5 अपॉन 24, तो सर 12 प्लस 5 अपॉन 24 को कैसे सॉल्व करें, बस वही आप एक पॉइंट लगाओ 50 आ गया, तो 24 2 जा 48, सर फिर कितना बच गया 2, तो आपने पॉइंट लगाया 0 आया, ठीक बात, फिर कितना हो गया 200, बस छोड़ दो यहीं तक, 12.20 इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ अंडर रूट 149. तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आई, तो आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन तो जरूर करने हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं. 288 का निकालना है बच्चों, एक तो आपको एक निकालना है 152 का, एक निकालना आपको 999 का, और एक निकालना बच्चों आपको 630 का. इन सबके स्क्वायर रूट निकालकर आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है कि इनके आंसर आपको क्या मिल रहे हैं. तो बच्चों ऐसे ही सेशंस के लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है. और आप क्या कर सकते हो, आप NTSE से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप कहां पर ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ऐप पर ATP स्टार NTSE आप टाइप करोगे तो आपको मिलेगा एक ग्रुप ATP स्टार NTSE का, जिसमें आपको NTSE से रिलेटेड सारी एग्जाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. और बच्चों आप ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. तो बच्चों ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए. तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू.